तो हेलो नमस्कार दोस्तों, आज सभी का फिर स्वागत है हमारे चैनल सी फॉरेज के संग। दोस्तों आज हम आप सभी के जनरल सॉरी दोस्तों नंबर सिस्टम का पार्ट टू लेकर आ गए हैं। दोस्तों पार्ट टू में मैं आपको बेसिकली कुछ जो मैंने पिछली बार आपको बताया था नंबर सिस्टम के बारे में, तो दोस्तों इसी के बारे में आपको कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स बताऊंगा। तो दोस्तों इस वीडियो को पूरा देखना और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और साथ ही साथ दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर भी कर देना। और दोस्तों अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन होना चाहते हैं तो दोस्तों आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, आप वहां जाकर हमारे टेलीग्राम चैनल से भी ज्वाइन हो सकते हो। ना दोस्तों अगर आपने हमारे ये नंबर सीरीज सिस्टम का पहला पार्ट नहीं देखा है तो दोस्तों जाओ वो भी वीडियो देखो, वो भी वीडियो आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा वो इन्फॉर्मेटिव वो भी वीडियो है। तो दोस्तों चलिए आज के वीडियो को शुरू कर लेते हैं और देखते हैं आज क्या होने वाला है। सो वेल दोस्तों देखो, मैंने आपसे कहा था कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में जो कि नंबर सिस्टम के बारे में। तो दोस्तों देखो सबसे पहले हम बात करेंगे इवन नंबर के। तो दोस्तों मैंने आपको पिछले में बताया था कि जो पिछली वीडियो बनाया था उसमें मैंने आपको बताया था कि कोई भी संख्या अगर वो दो से डिवाइड हो जा रही हो तो दोस्तों उसको जो है हम इवन नंबर बोलते हैं, ठीक है। तो दोस्तों देखो ये दिया हुआ है इवन नंबर प्लस में इवन नंबर इज इक्वल टू इवन नंबर, यानी कि दोस्तों देखो ये कह क्या रहा है। जैसे दोस्तों कोई आप एक इवन नंबर ले रहे हो, जैसे दोस्तों दो एक जो है इवन नंबर है, ठीक है, और यहाँ पे प्लस में इवन नंबर यानी कि एक और इवन नंबर, जैसे कि हम मान लेते हैं चार लेते हैं, तो दोस्तों इसको हम जोड़ेंगे तो क्या आएगा, इवन नंबर ही आएगा। यानी कि दोस्तों जो छः आएगा ये एक इवन नंबर ही है। दोस्तों चलो मैं आपको एक और एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। जैसे कि दोस्तों देखो, जैसे दोस्तों आठ एक जो है इवन नंबर है, ठीक है, प्लस में ये आपका जो आठ ये भी एक इवन नंबर है, आप इन दोनों को ऐड करिएगा तो कितना आएगा, सोलह। और दोस्तों सोलह जो है दो से डिवाइड हो जाएगा, यानी कि दोस्तों ये जो है इवन नंबर है। यानी कि दोस्तों अगर आप कोई भी इवन नंबर को इवन नंबर से ऐड करते हो तो दोस्तों आपका जो नंबर आएगा वो भी इवन नंबर ही होगा। और उसके बाद दोस्तों अगर हम बात करें, दोस्तों देखो अगर हम कोई भी ऑड नंबर को ऑड नंबर से ऐड करेंगे तो दोस्तों जो हमारा नंबर आएगा वो इवन नंबर होगा। जैसे लेटेस्ट एग्जाम्पल, जैसे दोस्तों देखो तीन जो है एक क्या है, ये एक जो है ये ऑड नंबर है, ठीक है। दोस्तों ऑड नंबर मैं आपको बता दूं कि होता क्या है, दोस्तों ऑड नंबर वो होता है जो दो से जो है वो डिवाइड ना होते हो दोस्तों, उसी को हम ऑड नंबर बोलते हैं। सो वेल दोस्तों देखो, जैसे तीन जो है ये एक जो है ये ऑड नंबर है, और एक और ऑड नंबर ले, जैसे कि दोस्तों ये जो सात है ये भी एक और ऑड नंबर है। तो दोस्तों इन हम दोनों को जब ऐड करेंगे तो हमारे क्या आया, दस है। और दोस्तों दस क्या है, ये एक इवन नंबर है, क्योंकि दोस्तों दस जो है ये दो से जो है वो डिवाइड हो जाएगा। और दोस्तों मैं आपको एक और एग्जांपल के थ्रू समझा दूँ। जैसे दोस्तों देखो यहाँ पर जैसे हम ले लेते हैं आपका ग्यारह, ग्यारह भी क्या है एक इवन नंबर है, ठीक है दोस्तों ग्यारह। उसके बाद दोस्तों एक और इवन नंबर ले लेते हैं ग्यारह प्लस में, जैसे ये नौ हो गया दोस्तों, नौ भी एक इवन नंबर है, ठीक है। तो दोस्तों इन दोनों को ऐड करिएगा तो कितना आएगा, बीस। और दोस्तों बीस क्या है, बीस भी एक इवन नंबर है। यानी कि दोस्तों यहाँ पे कहने का ये मतलब है कि दोस्तों अगर आप किसी भी ऑड नंबर को ऑड नंबर से ऐड करते हो तो दोस्तों आपका जो नंबर आएगा वो आपका इवन नंबर होगा, ठीक है। तो दोस्तों आप यहाँ पर कुछ इतना तो समझ गए होंगे। चलिए और उसके बाद बात करते हैं, जैसे दोस्तों इवन नंबर माइनस में इवन नंबर करिएगा तो इवन नंबर ही आएगा, ठीक है। जैसे दोस्तों देखो इवन नंबर, जैसे हम एक कोई इवन नंबर के ले लेते हैं, जैसे दोस्तों देखो जो ये हमारा एक छः जो है एक इवन नंबर है, ठीक है, और माइनस एक और इवन नंबर को ले लेते हैं जैसे कि दो, तो दोस्तों हम इनको माइनस करें तो ये क्या है, चार। और दोस्तों चार भी एक जो है वो इवन नंबर है दोस्तों। तो यहाँ पर सिंपल सा कहने का ये मतलब है कि कोई भी अगर आप इवन नंबर को इवन नंबर से माइनस करिएगा तो दोस्तों आपका जो नंबर आएगा वो भी इवन नंबर ही होगा, ठीक है। जैसे एक और एग्जांपल मैं आपको बता दूं, जैसे दोस्तों देखो आठ जो है एक इवन नंबर है, ठीक है, और दोस्तों इसको जो है मान लीजिए आप छः से माइनस करिएगा तो दोस्तों कितना आया था, आपका आया दो, यानी कि दोस्तों दो भी एक जो है वो इवन नंबर होता है, ठीक है। तो दोस्तों अगर आप किसी भी इवन नंबर को इवन नंबर से माइनस कीजिएगा तो आपका इवन नंबर ही आएगा। तो दोस्तों चलिए और भी जानते हैं और कुछ फैक्ट्स के बारे में। जैसे कि दोस्तों यहाँ पर देखिए और भी है, जैसे दोस्तों इवन नंबर प्लस में ऑड नंबर करिएगा तो आपका जो नंबर आएगा वो ऑड नंबर होगा। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू आप समझिए, जैसे दोस्तों इवन नंबर, जैसे दोस्तों ये दस जो है ये एक इवन नंबर है, ठीक है, प्लस में दोस्तों कोई भी ऑड नंबर ले लेते हैं, ऑड नंबर बेसिकली जो दो से डिवाइड ना होते। दोस्तों देखो जैसे कि मैं आपको यहाँ पर तीन ले लेता हूँ, जैसे कि दोस्तों तीन जो है एक ऑड नंबर है, तो दोस्तों दस और तीन को ऐड करिएगा तो क्या आएगा, तेरह। तो और दोस्तों तेरह क्या है, तेरह जो है ये एक ऑड नंबर है, यानी कि ये इवन नंबर नहीं है। जैसे और एक और एग्जांपल के थ्रू मैं आपको बता दूँ, जैसे दोस्तों इवन नंबर हम ले लेते हैं आठ, ठीक है, और प्लस में हम ले लेते हैं ये कोई ऑड नंबर दोस्तों, तो दोस्तों पाँच जो है एक ऑड नंबर होता है, तो दोस्तों इन हम दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा, तेरह। यानी कि दोस्तों तेरह ये क्या है, तेरह एक ऑर्डर नंबर है। तो दोस्तों यहाँ पे सिंपल सा ये भी कहने का यही मतलब है कि अगर आप किसी भी इवन नंबर को ऑड नंबर से ऐड करिएगा तो जो आपका नंबर आएगा वो आपका ऑड नंबर ही होगा।
और चलिए अब देखते हैं इसके आगे यहाँ पर दिया गया है ऑड नंबर माइनस ऑड नंबर इज इक्वल टू इवन नंबर, यानी कि अगर आप कोई भी ऑड नंबर को ऑड नंबर से माइनस करिएगा तो आपका जो नंबर आएगा वो इवन नंबर आएगा। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको समझा रहा हूँ, जैसे दोस्तों देखो ये जो आपका 9 है ये क्या है, एक ऑड नंबर है, ठीक है। और उसके बाद दोस्तों हम ले लेते हैं जैसे 7, 7 भी एक ऑड नंबर है। तो दोस्तों इनको जब हम माइनस करेंगे तो ऑड नंबर को ऑड नंबर से, तो हमारे यहाँ पे क्या यहाँ 2 आया, ठीक है। तो दो, और दोस्तों 2 क्या है, 2 एक इवन नंबर है, ठीक है। तो दोस्तों मैं आपको एक और एग्जांपल के थ्रू समझा देता हूँ कि ताकि आपको बिल्कुल कोई भी डाउट ना रहे, हर को हर का जो दो दो एग्जांपल दे रहा हूँ। जैसे दोस्तों देखो एक और ऑड नंबर ले लेते हैं, जैसे 11 जो है एक ऑड नंबर है, ठीक है। और उसके बाद एक और हम ऑड नंबर ले लेते हैं जैसे कि 5, 5 भी एक ऑड नंबर है क्योंकि 2 से डिवाइड नहीं होगा। तो आपका यहाँ पे क्या है? जो घटाइएगा माइनस कीजिएगा तो क्या नंबर आएगा, 6। और दोस्तों 6 क्या है, एक इवेन नंबर है। तो दोस्तों आप यहाँ पर भी इस बात को समझ गए होंगे। और दोस्तों उसके बाद है इवेन नंबर माइनस ऑड नंबर इज इक्वल टू ऑड नंबर, यानी कि दोस्तों अगर आप किसी भी इवेन नंबर को अगर आप ऑड नंबर से माइनस करिएगा तो जो नंबर आएगा आपका वो आपका ऑड नंबर होगा। जैसे कि एग्जांपल के लिए आप समझ लीजिए, जैसे कि हम कोई इवेन नंबर ले लेते हैं, जैसे कि दोस्तों 10 जो है ये जो है एक इवेन नंबर है, ठीक है। और प्लस में माइनस में हम ले लेते हैं कोई ऑड नंबर, यानी कि दोस्तों जैसे 7 ले लेते हैं, जैसे 7 जो है एक ऑड नंबर। तो दोस्तों अगर हम माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 3। और दोस्तों 3 क्या है, 3 जो है ये एक ऑड नंबर है। तो दोस्तों यहाँ पे भी साफ करने का मतलब है कि इवन किसी भी इवन नंबर को ऑड नंबर से माइनस कीजिएगा तो जो जो आपका नंबर आएगा वो आपका ऑड नंबर ही होगा। जैसे मैं आपको एक और एग्जांपल के थ्रू बता दूँ, जैसे आप यहाँ पर ले लीजिए 12 को, 12 एक इवन नंबर है, ठीक है। और किसी एक ऑड नंबर को ले लेते हैं, जैसे कि दोस्तों हम ले लेते हैं आपका यहाँ पर फिर से दोस्तों, मैं आपको नहीं 5 को नहीं लूँगा दोस्तों, इस बार मैं 7 को ले लेता हूँ, ठीक है। तो दोस्तों देखो इनको भी माइनस करेंगे तो हमारा रिजल्ट क्या आया, 5। यानी कि दोस्तों 5 क्या है, 5 एक ऑड नंबर है, 5 एक इवन नंबर नहीं है क्योंकि दोस्तों 5 जो है वो 2 से जो है वो डिवाइड नहीं होगा। तो दोस्तों आप देख लिए हो यहाँ पे काफ़ी सिंपल सा मेथड है जो भी मैंने आपको बताया। याद रखना दोस्तों ये एग्जाम में आपको ये ट्रिक जो है और ये फॉर्मूला काफ़ी काम करने वाली है। और चलिए एक और ये जो लास्ट लास्ट फैक्ट्स है इस पर भी नज़र डाल लेते हैं। तो दोस्तों देखो यहाँ पे साफ साफ कहा गया है ऑड नंबर माइनस इवन नंबर इज इक्वल टू ऑड नंबर, यानी कि दोस्तों कोई भी ऑड नंबर ले लो दोस्तों, जैसे कि दोस्तों देखो हम कोई ऑड नंबर ले लेते हैं, जैसे कि दोस्तों हम ले लेते हैं यहाँ पे 7, 7 जो है एक ऑड नंबर है और एक इवन नंबर ले लेते हैं जैसे 4, ठीक है। तो दोस्तों अगर हम इनको माइनस करेंगे तो हमारा यहाँ पर क्या आएगा, आएगा 3। और दोस्तों 3 क्या है, 3 जो है एक ऑड नंबर है। चलिए मैं आपको एक और एग्जांपल के थ्रू बताता हूँ, जैसे हम ले लेते हैं यहाँ पर 11, 11 एक ऑड नंबर है और एक इवन नंबर ले लेते हैं 6। तो दोस्तों इनको भी हम माइनस करेंगे तो यहाँ पर हमारा नंबर क्या आया, 5, और 5 क्या है, एक ऑड नंबर है। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हो सिंपल सा यहाँ पर कहने का यही मतलब है कि आप किसी भी ऑड नंबर को इवन नंबर से माइनस कीजिएगा तो जो आपका रिजल्ट आएगा वो आपका ऑड नंबर ही होगा। और दोस्तों मैं आपको बता दूं इसके बाद जो मैं आपको क्वेश्चन दूंगा नंबर सिस्टम के ऊपर, तो दोस्तों उस क्वेश्चन को भी आप करना सॉल्व, क्योंकि दोस्तों वो क्वेश्चन आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है DRDO एग्जाम में। दोस्तों देखो इसमें ये पूछा गया है, इसमें सॉरी दोस्तों इसमें ये कहा गया है कि दोस्तों कोई भी इवन नंबर को अगर आप इवन नंबर से मल्टीप्लाई करिएगा तो आपका जो नंबर आएगा वो भी इवन नंबर ही होगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए समझिए, जैसे कि दोस्तों आप 2 को, 2 एक इवन नंबर है, मल्टीप्लाई कीजिएगा 2 से तो आपका जो नंबर आएगा वो क्या आएगा, 4, और 4 एक इवन नंबर है। चलिए मैं आपको एक और एग्जांपल के थ्रू बताता हूँ, जैसे आप यहाँ पर ले लीजिए 10, ठीक है, 10 एक इवन नंबर है। और उसके बाद दोस्तों अगर आप यहाँ पर 10 को जो है अगर आप 2 जो कि 2 भी एक इवन नंबर है तो दोस्तों इनको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना आएगा, 20। और दोस्तों 20 क्या है, 20 एक जो है ये इवन नंबर है, ठीक है दोस्तों। और उसके बाद चलिए दोस्तों यहाँ पे जान लेते हैं कि दोस्तों यहाँ पे कहा गया है ऑड नंबर इंटू ऑड नंबर इज इक्वल टू ऑड नंबर, यानी कि दोस्तों अगर आप कोई भी ऑड नंबर को ऑड नंबर से मल्टीप्लाई करिएगा तो जो आपका संख्या आएगा वो भी आपका ऑड नंबर ही होगा। दोस्तों जैसे आप समझिए यहाँ पर, जैसे हम ले लेते हैं यहाँ पे और किसी ऑड नंबर को, यानी कि 7 एक ऑड नंबर है, ठीक है। और उसके बाद दोस्तों हम ले लेते हैं एक और ऑड नंबर को 3, यानी कि 7 इंच 3। तो दोस्तों इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा जो रिजल्ट आएगा वो आ जाए वो आएगा जो नंबर आएगा वो आ जाएगा 21। तो दोस्तों 21 जो है एक ऑड नंबर है, ये ना कि इवन नंबर। चलिए एक और एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको बता दूँ, जैसे कि दोस्तों यहाँ पे एक और ऑड नंबर को ले लेते हैं, जैसे 9 जो है एक ऑड नंबर है और एक और ऑड नंबर को ले लेते हैं 3। तो 9 इंटू 3 करेंगे तो हमारा कितना आएगा,
27 यानी कि 27। और दोस्तों 27 जो है एक ऑड नंबर है, तो दोस्तों यहाँ पर भी सिंपल सा कहने का यही मतलब है कि अगर आप किसी ऑड नंबर को ऑड नंबर से जो है वो मल्टीप्लाई करिएगा तो ऑड नंबर आएगा, और किसी भी इवन नंबर को इवन नंबर से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपका इवन नंबर ही आएगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ पर कुछ जानने को मिला होगा, और दोस्तों आप इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला होगा। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो और इस वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर देना। और दोस्तों अगली वीडियो आएगी वो मैं आपको जो है नंबर सिस्टम पर जो आपका क्वेश्चन होंगे बेस्ड उसी पर मैं आपको क्वेश्चन दूंगा, तो दोस्तों वो भी वीडियो देखना, और वो जो आगे आने वाली वीडियो है वो आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो दोस्तों इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। और दोस्तों अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन नहीं हो तो दोस्तों आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ जाकर हमारे टेलीग्राम चैनल से भी ज्वाइन हो सकते हो। तो दोस्तों चलिए वीडियो लंबा ना हो इसलिए दोस्तों वीडियो को यहीं पे ख़त्म कर लेते हैं, और दोस्तों मैंने आपको जो बताया उसे याद रख लेना दोस्तों, और जितना बताना था मैंने आप सभी को बता दिया, और जो अगली वीडियो आएगी वो आपको जो है नंबर सिस्टम से क्वेश्चन के ऊपर वीडियो रहेगी, तो दोस्तों वो वीडियो देखना है और वीडियो कल आएगी। तो दोस्तों चलिए यहीं पर वीडियो को ख़त्म कर लेते हैं, तो दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, गॉड ब्लेस यू ऑल।